नमस्ते बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने टू पॉइंट्स देख लिए थे, कौन से कि हमें घर पे किस तरह की सेफ्टी रखनी है और रोड पे। अब हम देखेंगे कि हमें स्कूल में किस किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए उसके बारे में। तो चलो देखते हैं। डू नॉट गेट इन टू और गेट ऑफ ए मूविंग बस। जब आप बस में जा रहे हो, स्कूल बस में, तो चलती बस में अंदर या बाहर जाना नहीं चाहिए। Always stand in a queue and wait for your turn. Never push other while waiting in a queue. Otherwise, somebody might fall and get hurt. हमेशा स्कूल बस में आप जा रहे हो तो जल्दी बस में चढ़ना उतरना नहीं चाहिए, लाइन में चढ़ना और लाइन में उतरना चाहिए, और जब आप लाइन में खड़े हो तब किसी को धक्का देना नहीं चाहिए, अर्थात तो क्या हो सकता है, वो गिर सकता है और उन्हें लग सकती है। उसके बाद डू नॉट रन डाउन द स्टेयरकेस और पुश अदर्स वाइल स्टैंडिंग ऑन द स्टेयरकेस। यू और अदर में फॉल एंड गेट इंजर्ड। जब कभी आप स्कूल के सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, तब दौड़ना नहीं चाहिए और किसी को धक्का भी नहीं देना चाहिए जब वो स्टेयरकेस को चढ़ रहा हो या फिर उतर रहा हो, इससे आपको और उनको लग सकती है। उसके बाद डू नॉट रश थ्रो ए गेट टू एंटर और गेट आउट ऑफ योर स्कूल। यू मे हिट द गेट एंड गेट हर्ट। स्कूल के गेट में अंदर जाने के लिए ज़्यादा भीड़ में होकर अंदर नहीं जाना चाहिए, एक बाई एक सभी को अंदर चले जाना चाहिए। ज़्यादा भीड़ में आप अंदर जाओगे तो आपको वो गेट लग भी सकती है। डू नॉट क्लाइंब ऑन और रन अराउंड द फर्नीचर इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर बेंचेस होते हैं, फर्नीचर्स जो होते हैं उनके होने की वजह से वहाँ पे रन करना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, और फर्नीचर आपको लग सकते हैं। डू नॉट हिट एनीवेयर और थ्रो थिंग्स एट अदर्स। एक दूसरे के को मारना नहीं चाहिए और कोई भी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर फेंकनी नहीं चाहिए। तो ये सुविधाएं हमें कहाँ पे रखनी है, अपने स्कूल में। अब देखते हैं कि पार्क में और प्लेग्राउंड में हमें किस किस प्रकार की सेफ्टी बरतनी चाहिए। बी केयरफुल वाइल प्लेइंग इन ए पार्क और ए प्लेग्राउंड हैविंग बार्ब्ड वायर फेंसिंग, कीप डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। आप सभी को पता है कि प्लेग्राउंड होते हैं तो उनके सराउंडिंग में क्या होता है, तो फेंसिंग वायर यानी कि वायर होते हैं ताकि कोई एनिमल्स और कोई और लोग अंदर बिना पूछे अंदर ना आ जाए, इसलिए वायर्स होते हैं। तो क्या करना चाहिए, जब आप खेल रहे हो तो इन वायरों से दूर रहना चाहिए, उनको टच नहीं करना चाहिए, इनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। डू नॉट रन ऑन एन अनइवन ग्राउंड और में और यू में फॉल डाउन। जो ग्राउंड अनइवन है यानी कि कहीं पे ऊंचाई है कहीं पे नीचाई है, ऐसे ग्राउंड पे रन करना नहीं चाहिए, आप गिर सकते हो। डू नॉट प्ले गेम्स लाइक हाइड एंड सीक इन डार्क लोनली प्लेस। हार्मफुल इंसेक्ट्स हाइड इन सच प्लेस एंड दे कैन स्टिंग यू। कोई भी ऐसी यानी कि जहाँ पे रोशनी ना हो ऐसी जगह पे हाइड एंड सीक खेलनी नहीं चाहिए, वहाँ पे जाके छुपना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इंसेक्ट्स छुपे हुए होते हैं जो आपको अंधेरे में बाहर निकल के काट सकते हैं, तो ऐसी जगह पे आपको हाइड एंड सीक गेम खेलनी नहीं चाहिए। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फर्स्ट एड, यानी कि इतनी भी सेफ्टी रखने के बाद भी अगर आपको कहीं पर लग गई तो आपको फर्स्ट एड की जरूरत पड़ेगी। और फर्स्ट एड क्या है तो इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव। फर्स्ट एड क्या है तो के इमीडिएट यानी कि तुरंत दवा किसके लिए, कि जो पर्सन को लग गई है, जो कोई इंसान को लग गई है तो डॉक्टर को आने से पहले कोई दवा अगर हमें उन्हें देनी है, कोई इलाज उनका करना है, तो उसके लिए फर्स्ट एड हेल्पफुल करता है। इफ़ यू गेट इंजर्ड और सी समबडी अराउंड यू इंजर्ड, इमीडिएटली लुक फॉर फर्स्ट एड। अगर आप को लग गई है तो आपके आजू बाजू में किसी को लग गई है, कोई इंजर्ड हो गए, तो सबसे पहले आपको किसके ढूंढना चाहिए तो के फर्स्ट एड को। गिवन बिलो और सम फर्स्ट एड टिप्स दैट यू कैन फॉलो इन सच ए सिचुएशन। नीचे कुछ स्टेप दी गई है जो आपको फॉलो करनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में, क्या तो कि डू नॉट पैनिक एंड कीप कॉम। कोई किसी को लग गई है तो आप क्या हो जाते हैं, कभी कभी तो दूसरों को लगी और आप घबरा जाते हैं, तो ऐसे घबराना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए। In case of small cuts or light wounds, clean the wound with an antiseptic lotion and then apply an antiseptic cream. अगर थोड़ा बहुत लगा है, थोड़ा बहुत कट गए हैं, तो क्या करना चाहिए, ब्लड को अच्छे से क्लीन करके एंटीसेप्टिक लोशन लगा के एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देना चाहिए।
If bleeding does not stop, tie a bandage or clean cloth loosely over the wound. Keep the bleeding part of the body raised. अगर लग गया है, वो ज़्यादा लग गया है और खून बाहर निकलना बंद ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, बैंडेज को लूजली बांध कर हाथ को, अगर हाथ में लगी है तो जिस जगह से खून निकल रहा है उसको ऐसे ऊपर साइड में रखना चाहिए। ऊपर के डायरेक्शन में रखने से क्या होता है, खून ज़्यादा ब्लीडिंग होता नहीं है। मेक द पर्सन लाइट डाउन और सिट इन रिलैक्स्ड पोजिशन, और जिनको लगी है उन्हें रिलैक्स्ड पोजिशन में बिठाना चाहिए, उन्हें अच्छे से लेटा देना चाहिए। इफ़ ए पर्सन फेंट्स, डू नॉट क्राउड अराउंड हिम, अलो हिम टू ब्रेथ इन फ्रेश एयर। अगर उन्हें लगी है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप क्या करोगे, सब जाके उन्हें देखोगे क्या हुआ क्या हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके अराउंड में थोड़ी जगह, थोड़े स्पेस रखनी चाहिए ताकि हवा उन तक पहुँच के वो अच्छे से सांस ले सके, ब्रीथ कर सके। तो आपको ये सब करना चाहिए कि किसी को लग गए तो आप क्या करते हो, सब आसपास आ जाते हो और उन्हें देखने लगते हो कि क्या हुआ क्या हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी जगह दो, उन्हें थोड़ी स्पेस दो ताकि खुली हवा, बाहर की हवा वहाँ पे आए और वो अच्छे से सांस ले सके। कॉल ए डॉक्टर और एन अडल्ट इमीडिएटली, और लास्ट में क्या करना चाहिए, डॉक्टर को बुलाना चाहिए अथवा तो कोई बड़े इंसान को बुला के, अडल्ट को बुला के इन्फॉर्म करना चाहिए। तो ये सारी फर्स्ट एड की टिप्स है कि अगर किसी को लग गए तो आपको ये सारी चीज, ये सब स्टेप्स आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप सभी को सेफ्टी रूल्स पहले तो फॉलो करना चाहिए, रोड पे, होम और घर, स्कूल में क्या क्या सेफ्टी रूल्स थे सभी आपको लर्न करके अच्छे से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। और फिर भी अगर आपको कहीं पे चोट लग गई है तो आपको किसका इस्तेमाल करना है, तो क्या फर्स्ट एड का, फर्स्ट एड को इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। तो चलो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर यहीं कम्प्लीट होता है। आपका होमवर्क क्या है, तो क्या फर्स्ट एड के बारे में अच्छे से पढ़ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। नमस्ते।